everybody who is watching on Fan Code, this for Priest University as well. And Harshit, welcome back to the commentary box. ये बड़ा मैच है, ये खास मुकाबला है. यहाँ पर आपको ऐसी लड़ाई अब नजर आने वाली है जो आपने बहुत कम बार देखी होगी. इंटेंट जो है वो पॉजिटिव नजर आने वाला है. क्रिस्ट यूनिवर्सिटी लगातार मुकाबले जीत कर आ रही है. बूस्टर राउंड में सिर्फ इकलौता मुकाबला हारा था जो सेमी एकेडमी के विरुद्ध हारा था. और सेमी एकेडमी राधिका अगर बात करें बूस्टर राउंड में थोड़ा ऊपर नीचे था इनका रोल, बट क्रिस्ट यूनिवर्सिटी को हरा कर आ रही है और पिछला एलिमिनेटर जो है उससे भी जीत कर आ रही है. आर इन द क्वार्टर फाइनल नंबर 3, दैट मींस इट इज अ नॉकआउट मैच. द विनर विल गेट इनटू द सेमीफाइनल्स, द लूजर विल बी गेटिंग एलिमिनेटेड. यस, नोबडी वांट टू टेक अ रॉन्ग फुट हियर. नेक्स्ट 40 मिनट्स दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑन द मैटर. जस्ट नॉट अ फिजिकल गेम बट इट्स अ मल्टी पॉइंट फॉर प्रीस्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट ऑफ. हर्षित, इससे बढ़िया क्या शुरुआत चाहिए थी आपको? इससे बढ़िया क्या शुरुआत चाहिए थी आपको? बताओ टीम. आए हैं प्रिस्ट यूनिवर्सिटी और आते ही पॉइंट्स का सिलसिला जो हमने की बैटल की बात की थी. हालांकि कवर और कॉर्नर डिफेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे. इस बार लेफ्ट कॉर्नर पर विश्वा कुमार मौजूद थे. जैसे किक लगाने गए, बैकहोल्ड करने गए थे. राइट स्टार ये डिफेंडर, जब जब ऐसा प्रदर्शन करते हैं एक अलग सिरे के डिफेंडर नजर आते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि कभी भी इन्होंने और कुछ करने का प्रयास नहीं किया. इन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया है. चाहे कवर पर इनको टैकल मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, जब तक टीम नहीं चाहती कॉर्नर नहीं जाते हैं. इस बार किरुबा आए थे, इस बार वहां पर किरुबा आए थे रेड लगाने के लिए और किरुबा आए हैं और शिकार बनाए. मुकेश कन्नन अब कुछ ना कुछ करना चाहेंगे. Sorry, and yeah, he need to revive the team. But then look at that frontal block, and we see a wrestling skill as well from the defender. How aggressive the team is moving on, Harshit. So definitely they are going on the revenge match against the Sami Academy here. Please control. Wow, Sasi Kumar, number 7 jersey. ये मेरे लिए जितने भी मैंने की बैट, जितने भी इंपैक्टफुल प्लेयर्स की बात की, ये मेरे लिए सबसे बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर साबित होने वाले थे. क्योंकि शशि कुमार एक ऐसे डिफेंडर हैं जो कमाल करते हैं. पर दूसरी तरफ आपको स्टुअर्ट नजर आते हैं. डिफेंस में शशि, रेड में स्टुअर्ट, ये डबल एस का कॉम्बो. डिफेंडर लिंगराज एंड द कॉर्नर केम राइट ऑन टाइम फॉर द रेस्क्यू. यस, केशवन राजा, यस्टरडेज मैच, यस दे हैव वन ऑल क्रेडिट टू दिस प्लेयर हु गॉट 11 ग्रेट पॉइंट्स अगेंस्ट कथकली स्पोर्ट्स. And that's the reason they are in the quarterfinals. But then the left corner, yet again, that dive tackle, fabulous on this top raider. In player and attacks Gautam Murugan. Kesavan Raja, क्या improve किया इन्होंने अपने आप को पिछले कई समय से? इस बार श्रीराम एस हमेशा ये गलतियां कर जाते हैं, थोड़े से ज्यादा एडवांस चले जाते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा नहीं रख पाते और उसी के चलते अक्सर. Too good. Kesavan Raja, yes, this is the player we will be eyeing on. He has two players who will be across him, Gautam Murugan on the other side and Sasi Kumar. And this time, yes, it's a multi-pointer for Kesavan Raja. He is just getting the momentum for Sami Academy. के हरीश भी बाहर जा रहे हैं, के हरीश भी वहां पर बाहर जाते हुए शायद जो इन डिफेंडर थे, बिल्कुल के हरीश भी वहां पर आगे की तरफ आ गए थे. शायद 4-5 अकेला है. ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लिए एडवांटेजेस साबित हुआ है क्योंकि केशवन राजा अक्सर साथ के हाउस में ज्यादा हमने देखा कि वो इंपैक्ट अदा कर पाते हैं. एब्सोल्युटली, इन द लास्ट 8 मिनट्स आई थिंक, नॉट इवन 8 मिनट्स, लास्ट से अबाउट 12 मिनट्स, दे जस्ट गॉट 5 पॉइंट्स एंड दिस इज What a brilliant tackle coming in from a brilliant coordination, I'll say. The right cover and the in player. Hats off to Link Confidence to the player who's coming off the bench. And it's a super tackle opportunity. बिल्कुल सही कहा गया राधे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 अंक प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, अगर वेल में थोड़ा ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करते हैं और भगवान ना चाहे बट अगर 2 पॉइंट प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को मिल सकते हैं तो फिर जो है वो प्रिस्ट और आगे की तरफ बढ़ जाएगा. इस बार राइट ट्रेडर के तौर पर ज्यादा अंदर चले गए थे. इस बार थोड़ा सा जो है जर्सीज को भी खींचा गया है. शायद विघ्नेश को यहाँ पर एक वर्बल वार्निंग मिलेगी. हो सकता है कि वहां पर एक कार्ड भी मिलता हुआ नजर आए. बट उट इज गुडी सुपर टैकल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे राधे का. वेलेवन को कहा था कोच साहब ने कि ज्यादा अंदर मत जाइएगा. Absolutely, I think he being a left raider, he did not find any opportunity to crack that defense. That's the reason he took the wrong opportunity for an all out. Yes, Ellen Tendril came back empty handed, but then Velavan again
No, look at the way he stretches his arms. And what a lovely kick, Harshit. ये खिलाड़ी विशेष है, इस रेड में दिया ये संदेश है, फिल वन राइट, बहुत ही शानदार प्रदर्शन और ये अपनी टीम के लिए बहुत ही परसिस्टेंस दिखला रहे हैं, इरिडिसेंट प्लेयर हैं। यहाँ पर मौका होगा अब सेमी एकेडमी के पास किप्रिस को ऑल आउट दे, मुकाबला एक बार फिर से बराबरी की होड़ पर लेकर आए, क्या इस बार कुछ चमत्कार कर पाएंगे? चमत्कार को नमस्कार है, आर विग्नेश डुबकी आई है, लाइन टच हुई है, बट कबड्डी के मैट पर आपको इसे क्रॉस करना पड़ता है। जरूर एक बार दिल धड़का था कोच रमेश साहब का, बट सेमी एकेडमी ने लिया ये वादा है और ली हमारे साथ। दुर्गम कार्य ये है कि इस मुकाबले में कौन अब दूसरे हाफ में बाजी मारेगा, पहला हाफ अपनी समाप्ति की तरफ है। प्रिंस यूनिवर्सिटी ने शायद वहां पर राधे का टॉस जीता था और कोर्ट का फैसला किया था, यानी कि दूसरे हाफ की पहली रेड प्रिंस लगाएंगे, पर केजवन राजा इस हाफ की अंतिम रेड लगाने आए हैं। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी, गिरकर भी उठना है तुम्हें दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएगी। इस बार गौतम मुर्गन फिर से केजवन राजा का शिकार बनाते हुए, ये बैटल जज्बेदार है, जोश जज्बा और जुनून 17-15 के साथ पहला हाफ। You know, in the last 10 minutes, we haven't seen Gautam Murugan on the mat at all. And when he's come with that extra force and aggression. And he's got the right target. इसके पॉइंट को बांटे तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। But I like the attitude of that player, Harshit, and he has also a lot of confidence in the team management and the coach that you know he will be substituted when the right time is for the team. बहुत शालीन प्लेयर हैं। अधीर युवा हुआ करते थे कुछ समय पहले, पर जिस प्रकार से इन्होंने एक टीम प्लेयर के तौर पर बेहतरीन कार्य किया, मुकेश कन्नन को अंदर बुलाया गया, राधिका इस बार शंकर को शिकार बनाया क्योंकि मन्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कोच रमेश साहब की तरफ से। अब ये सच में राधिका शतरंज का खेल बन चुका है, दोनों ही टीम ने क्या ट्रिक्स अपनाई है। इस बार नंबर 9 चर्सी पर ध्यान दीजिए, विश्व कुमार ने क्या विश्वसनीय टैकल किया है, लग रहा था कि ये जंप आ रही है, पहले सामने चले गए, वो भी डिफेंडर है। ऐसी गलतियां आप करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर थोड़ा सा परेशानी रहेगी, टू और डायरेक्ट है। केसवन राजा, गौतम मुर्गन अब बाहर जा रहे हैं, गौतम मुर्गन एडवांस चले गए थे, जो गलती हमने उन्हें हल्का सा अपर बॉडी को एक बार फिर से क्रॉस करा दिया गया, लिंगराज अच्छा फोर्स वहां पर अर्जित किया। राधिका स्कोर 9-0 से 19-19 की बराबरी पर आ चुका है। Yeah, 0-9 is what we have seen in the initial minutes, but then 19 all is what we see. One point. उनके जो ग्रह नक्षत्र है राधिका वो विलेवन के बहुत शानदार जा रही है और आज देखते हैं कि क्या फिर से पॉइंट ला पाएंगे। फ्रंटल ब्लॉक, लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर अक्सर उनका शिकार बनाता है, इस बार फिर से वो शिकार बना है। And then Velvan is not giving up even now, till the time the whistle is blown. Prince yeah, University. Of course, we can't blame Velvan. The defenders have those anti-attacks as well. And do or die yet again for Velvan. Against four again. So this needs so much of confidence and self-confidence actually to get into same situation once more. And he's been knocked off yet again from the left corner. राधिका बड़े शुरुआती मिनटों में मैंने कहा था कि विलेवन को रोकने का तोड़ लेफ्ट कॉर्नर के पास होगा, लेफ्ट कॉर्नर श्रीराम एस राइट कॉर्नर, सिर्फ दो रेडर्स थे केसवन राजा और मुकेश कन्नन, लिंगा परन ज्योति और शंकर वहां पर डिफेंडर के तौर पर नजर आ रहे थे, तो दो रेडर 5 डिफेंडर के कॉम्बिनेशन के साथ शुरुआत में उतरी थी, पर जब सारी चीजें सही नहीं गई तो सारे सब्स्टिट्यूशन किए गए और मुकाबले में बदलाव किया गया। यहाँ पर क्या हुआ है, रमेश साहब क्यों तालियां बजा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ था कि सेमी एकेडमी ने टैकल कर लिया है। I know, but please do not have the देखा क्योंकि हर मुकाबले में आपको कभी ना कभी तो कॉर्नर मुझे लगता है राइट कवर, कभी ना कभी तो वहां पर कॉर्नर डिफेंडर खेलते हैं, बट यहां पर अभी जो निर्णय गया है वो शायद पक्ष में गया है सेमी एकेडमी की, यानी कि क्या पहला टच हो गया था, अगर पहले टच हो गया था राधिका तो ही वहां पर एक कंटेंशन है कि डिफेंडर को पॉइंट मिले। Now this is अच्छा, बट अभी कोई रिव्यू वहां पर प्रेस के पास मौजूद नहीं है, किस्मत भी दे रही है बहादुरों का साथ, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कौन इस मुकाबले के आने वाले 6 मिनट में 5.5 मिनट में इनफैक्ट और ब्रेवरी के साथ प्रदर्शन कर पाएगा। स्टुअर्ट सिंह, राधिका
जो शुरुआत में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जब इन्होंने सेमी को ऑल आउट दिया था, उसके बाद से इन्होंने टच पॉइंट्स की कोशिश नहीं की है ज्यादा, और अगर आप टच पॉइंट नहीं लेंगे तो फिर विश्वा कुमार आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। बोनस जरूर चुरा गए थे स्टुअर्ट। बोनस नाउ आई थिंक नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन द मैट विल मैटर द मोस्ट फॉर दिस मैट और मैच हैज़ because of playing on a defense of 5 is definite advantage for Preet. Attack the opponent side, you have the long reach possible, and do or die, they have eliminated an all out opportunity, but then wait for the opportunity and go for the kill. 4 point deficit and yes, he's been knocked off. Radhika, but then the Raiders need to do the job, Harshit. 1 point. सेकंड बहुत कीमती है, अब एक एक सेकंड बहुत कीमती है। शायद कोच पर लेंगे राज ने एंगल कट किया था मुकेश कन्नन। जी हाँ, इस परिस्थितियों में मुकेश कन्नन के सेवन राजा जैसे रीडर जो है ना वो ज्यादा डिपेंडेबल साबित हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। वहां पर कौन होगा शो स्टॉपर, कौन आपकी टीम के लिए इस समय पर ट्रेल ब्लेजर बन पाएगा? यहाँ टो टचेस का प्रयास है, रमेश साहब का एंटीसिपेशन आप देखिए इस मैच में लगातार बरकरार है। शशि कुमार द इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द प्रिस्ट यूनिवर्सिटी। एक और टैकल, मुकेश कन्नन बाहर, और शायद जो सपने सेमी अकेडमी के वो भी अब तोड़ दिए जाएंगे। Absolutely, look at the way they waited for the right opportunity and yes, the in player शतरंज के खेल की जो मैं बात कर रहा था ना राधिका, उसमें सेमी अकेडमी अंतिम 5 मिनट में थोड़ा सा दबाव उन्होंने स्वयं पर बनाया, और अब देखिए जानते हैं स्टुअर्ट सिंह कि मुझे पहले मेरे 30 सेकंड का उपयोग करना है, फिर मैं बॉकलाइन को प्रोटेक्ट जब कर रहे हैं सेमी अकेडमी तो बॉकलाइन को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। राधिका, क्या हमें हमारी तीसरी टीम मिल चुकी है सेमीफाइनल्स की? ये डुबकी नहीं है, ये डुबकी नहीं है, ये प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए टिकट टू सेमीफाइनल वाली रेड है। स्टुअर्ट सिंह की डुबकी आई है और ये मुकाबला प्रिस्ट ने अब लगभग फाइनल नेल इन द कफिन लगाकर अपने नाम कर लिया है। Yeah, with this dubki, naya par for Priest University, is it Harshit? Yes, this will be the team that would enter the semi-finals. पिछले कुछ दिनों से और हमारी कई बार चर्चा हुई है, विलेवन को आप बहुत ज्यादा रेंज लगाकर उन पर आप अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहते, उन्हें फ्री रेडर के तौर पर खेलने दीजिए, क्योंकि अभी अंतिम 3 टैकल में हमने देखा 2 सुपर रेड्स, 2 वहां पर डू और डायरेक्ट में वो पकड़े गए, और तीसरी बार जहां पर पॉइंट बहुत जरूरी था तब भी वो वहां पर पकड़े गए, तो और तीनों बार लेफ्ट कॉर्नर ने शिकार बनाया। राधिका, इस मैच के स्टार्ट में मैंने कहा था कि शशि कुमार लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर नहीं पकड़ेगा विलेवन को, लेफ्ट कॉर्नर जब अटैक करेगा, जब विलेवन अक्सर पकड़े जाते हैं। हमें मिल चुकी है दर्शकों प्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सेमीफाइनल्स में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम होगी। चाहे हराया होगा शिष्य ने गुरु को बूस्टर राउंड में, बट गुरु हमेशा गुरु रहता है। रमेश साहब ने यह दर्शा दिया है। एलवरसन साहब, वेल प्लेड, हैट्स ऑफ, आपका दिमाग, आप सच में चाणक्य बुद्धि वाले इंसान हैं। क्या नीति अपनाई थी, क्या रणनीति? So the number of players they played with the strategy.